को जेएमसी की। मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ। और आज मैं अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जी ने हमारी जिंदगी में काम किया। जैसे कि आजकल आप सब जानते हैं कि COVID-19 यानी कोरोना वायरस की बहुत बीमारी बड़ी बुरी तरीके से अपने पंजाब में फैल रही है। और वैसे ही मैं और मेरी वाइफ हॉस्पिटल में जॉब करते हैं लुधियाना में। और लास्ट संडे 2 मई को मेरी वाइफ के पास एक पेशेंट आया था, तो उनकी ड्यूटी इमरजेंसी में थी। तो जैसे इमरजेंसी में फर्स्ट टाइम जब पेशेंट आता तो सीधा ऐसे ही आता है, हमें उनको पता नहीं होता कि कौन सा पेशेंट पॉजिटिव है या क्या है, उसको किसी को कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने भी उसको ऐसे डील किया पेशेंट को, और ड्यूटी करके वो जब घर आ गए वापस, और अगले दिन उनकी छुट्टी थी, और उसके अगले दिन जब उन्होंने ड्यूटी पे जाना था तो उनको शाम को कॉल आया कि आप ड्यूटी पे मत आना, क्योंकि जो पेशेंट इन्होंने संडे को 2 मई को डील किया था वो पेशेंट हाईली पॉजिटिव था और वो पेशेंट मर चुका था। और हम सब घबरा गए थे, और क्योंकि हॉस्पिटल की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि आप क्वारंटाइन में रहो 14 दिन के लिए, और क्वारंटाइन का मतलब 14 दिन भी आप अंदर बंद रहो। और अंदर बंद ठीक है, रहना ठीक है, जो रूल रेगुलेशन है WHO की तरफ से उसके अकॉर्डिंग हमें रहना पड़ेगा। लेकिन बात टेंशन की ये थी कि हम दो उन जो उनके पेशेंट के डील करने के बाद संडे के बाद हम 2 दिन अपनी फैमिली में इकट्ठे रहे थे। 2 बेटियां हैं मेरी, तो उनके साथ और मैं, हम चारों इकट्ठे थे घर पे। तो अब हम क्या करें, तो बहुत प्रॉब्लम में थे, बहुत टेंशन में थे। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया कि आपने बाहर नहीं आना जब हम आपको पूरी वेरिफिकेशन करेंगे और कहाँ कहाँ पे और कैसे, मतलब जो भी उन्होंने अपना हिसाब किताब लगा के भी कितने दिन रखना है और कैसे इनके साइन सिम्टम की डेली उन्होंने रिपोर्टिंग भी लेनी थी। तो उन्होंने तो अपना काम करना था, लेकिन हम फंस गए थे। लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पर था। और सबसे बड़ी बात, हम चर्च ऑफ पीस एंड हीलिंग लुधियाना के मेंबर हैं और शुरू से हम वहाँ पे जा रहे हैं। और पास्टर सूरज भान मसीह जी से हमने बात की और उन्होंने हमें काफ़ी मतलब हौसला दिया कि आप चिंता मत करो, परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमें थोड़ा हौसला हुआ और हम भी परमेश्वर के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। और उस दिन के बाद डेली पास्टर सूरज जी का हमें डेली कॉल आता था, वो डेली हमारे लिए प्रेयर करते थे, उपवास रख के प्रेयर करते थे। और ऐसे ही दिन बीतते गए, हम भी अपने घर में बच्चों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करते रहे। और हमें ये था कि जब 14 दिन पूरे हो गए क्वारंटीन पीरियड के, तो उसके बाद हमारी टेस्टिंग होगी, तो उसकी भी टेंशन थी, तो टेस्टिंग परमेश्वर हम सही करें। लेकिन प्रेयर में रहते थे और पास्टर जी भी डेली हमारे लिए प्रेयर करते थे। लेकिन जब 8-10 दिन बीत गए तो एक दिन हॉस्पिटल से कॉल आ गई कि आपके साइन सिम्टम तो इतने हैं नहीं, तो आप ठीक हो? तो हमने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बच्चों के बारे में, सबके बारे में पूछा, तो हमें सब उनको बता दिया सारा कुछ। तो उन्होंने कहा आप ठीक है, आपको टेस्टिंग की जरूरत है। और हम इतने हैरान हुए कि 14 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, उनको ऐसा लग रहा था कि ये तो बिल्कुल ठीक है और हमें टेस्टिंग की भी जरूरत थी। हम बिल्कुल बहुत ही हैरान हो गए थे। फिर हमने पास्टर जी को फ़ोन किया, पास्टर जी भी बहुत खुश हुए। तो मैं इस गवाही के लिए सचमुच बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता है। जैसे वचन में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, और इस वचन को हमारी ज़िंदगी में खुदा ने पूरा किया। हम सचमुच बहुत खुश हैं। और मैं सबसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी का और हमारे पास्टर जी द चर्च ऑफ पीस एंड हीलिंग के जो हमारे पास्टर जी हैं, मैन ऑफ गॉड पास्टर सूरज भान जी, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारे लिए उपवास रख के प्रार्थना की, दिन ब दिन प्रार्थना की, और हमें इस शैतानी अटैक से बचाया। और मैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह जी का और पास्टर सूरज भान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की, हालेलुया।